हाँ जी बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी लास्ट क्लास में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप किसी भी मिरर के सामने अपने आप को देखोगे, प्लेन मिरर के सामने, तो जो दिखने वाली इमेज होगी उसका साइज बराबर होगा आपके, ठीक है। लेकिन जब आप उसको मार्कर से ड्रॉ करोगे, आउटलाइन तैयार करोगे, चेहरे पे खींचते जाओगे पेन से, मार्कर से, फिर आंख नाक कान बनाओगे, तो जो इमेज बनेगी एक्चुअली उसका साइज आपके साइज का आधा होगा। बड़ी विडंबना है ना। पहले आप देख रहे थे कि बराबर साइज है, लेकिन जैसे ही आप उस पर ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करने के बाद वो दिखता है आधा। तो बड़ी कमाल की चीज़ है ना। आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो है कि हम अक्सर हमारे घर में जब कभी भी छोटा मिरर होता है तो हम पास में खड़े होते हैं उसके, ठीक है। और जब उसमें इमेज छोटी दिखती है तो हम उसके लिए थोड़ा दूर जाते हैं। क्या पास या दूर जाने से फर्क पड़ता है विजिबिलिटी पे? आई मीन, क्या पास जाने से ज़्यादा दिखने लगता है या दूर जाने से ज़्यादा दिखता है? जब कभी आपकी इमेज छोटी दिखती है तो आप मिरर के पास जाने से आपको फायदा मिलेगा या दूर जाने से? तो आप इसको भी देखिएगा, और पुराने वाले सवाल का जवाब मिल गया है, बट उसका वजह, उसका कारण जानने के लिए ये वाला वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी सीखा था, जल्दी से उसका एक क्विक रिव्यू, और फटाफट हम लोग आज वाली क्लास चालू रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहुंचते हैं फटाफट अगली चीज पे जो पिछली वाली से रिलेटेड है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं, लेट सपोज अगर हमारे पास ये भाई साहब हैं, इन भाई साहब को हम लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन भाई साहब को आप तभी देख पाओगे जब इन भाई साहब से लाइट निकल के आपकी आंख तक पहुंच जाएगी, ठीक है। लेट सपोज इनके माथे पे कोई तिल था, उस तिल को आप डायरेक्ट देखना चाहते थे तो इनके तिल से लाइट निकल के आपकी आंख तक पहुंच जाए, आप इनका तिल देख लोगे, ठीक है। लेकिन इस आंख के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि लाइट जिस ऑब्जेक्ट से निकलती है इसे वही दिखता है, लेकिन जिस तरफ से आती है इनको लगता है कि वो चीज उसी तरफ है। लेट सपोज हमने एक प्लेन मिरर इधर लगा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने सीख ही लिया था, तो यहां से जो लाइट जाएगी फिर मिरर से टकराने के बाद फिर अब इनकी आंखों पे आएगी, तो इनको ऐसा लगेगा कि इनके जो भाई साहब हैं वो कहां पे हैं, थोड़ा सा ऊपर उल्टे लटके हुए दिखाई देंगे। ये इनका सर दिखाई देगा और बाकी का इनका हिस्सा ऊपर लटका हुआ दिखाई देगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो एक्चुअली में आज हमें यही पढ़ना है हमें कि चीज़ें होती कहीं हैं और दिखती कहीं और हैं, बिकॉज ऑफ इस आँख की प्रॉपर्टी। क्या है आँख की प्रॉपर्टी? कि जिससे निकलती है वही चीज़ दिखती है, नंबर वन। और नंबर टू, जिस डायरेक्शन से आती है लाइट, इस आँख को लगता है कि उसका ऑब्जेक्ट उसी तरफ है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर वो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर वो दिखती है उसको बोल देते हैं हम उसकी इमेज। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि चीज़ें होती कहीं हैं और दिखती कहीं और हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखना शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट देखें, उससे पहले ये ऑब्जेक्ट और इमेज, ये जो बन रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट और इमेज में का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फटाफट हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। पेन कॉपी निकाल के रखते जाओ ताकि साथ साथ में लिखते भी चलो। तो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें, ऑब्जेक्ट माने कभी भी लाइट की रे जहां से निकलती हैं, ठीक है, जहां से निकलती हैं लाइट की रे हर तरफ जाती हैं, तो वो जगह क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहें तो ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। भाई लाइट की रे कहां से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट की रे निकल रही होंगी हर तरफ, ठीक है, इसको हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये भी दो तरीके का होता है, कई बार तो ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कई बार हमको इसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअल और प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक्चुअल और प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक्चुअल माने बाकी में इंटरसेक्शन पॉइंट, और प्रोड्यूस्ड माने उसको बढ़ा के बनाना पड़े, ठीक है। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करना चाहें, थोड़ा सा समझना जरा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाकई में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी इमेज जो भी हमने बताई थी
वो वहां एग्जिस्ट नहीं करती, असल में वो वहां पे एग्जिस्ट करती हुई दिख रही है, अपीयर हो रही है, ठीक है। तो ये तो बाकी में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट तो है मगर ये कैसा है, रियल है, लेकिन ये क्या है, इमेज, और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल। बात समझ में आई? तो रियल और वर्चुअल का डिफरेंस समझ में आया। रियल का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बाकी में वहाँ एग्जिस्ट करती है तो उसको हम बोल देते हैं रियल ऑब्जेक्ट, और अगर कोई चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, हम उसे डॉट 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 लाइन से बढ़ा के किसी तरीके से वो दिख रही है बट वहाँ है नहीं, तो हम बोल देते हैं उसको वो कैसा है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल की बजाय वो हो जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल का डिफरेंस पता चला, बताओ यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो बेसिक फील है वो दिमाग में बैठा, एक्चुअल को बोल देते हैं हम रियल और प्रोड्यूस को बोल देते हैं हम वर्चुअल, ठीक है। अब बात आती है अगली कि भैया इमेज क्या होगी, ठीक है। तो इमेज के लिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इमेज में ये भी होता है, देखो इमेज किस वजह से बन रही है, इमेज बन रही है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ठीक है, एलडी टीडी, रिफ्लेक्टेड रेज। फिर से वही है, एक्चुअल और प्रोड्यूस्ड, इसमें भी रियल और वर्चुअल दो तरीके की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, और इमेज क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि इन्हीं दो तरीकों से हमारी इमेज बनती है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोसेस जो लाइट की रे का रास्ता मोड़ दे, उसको विचलित कर दे, उस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। बोलो क्लियर है, दिमाग में बैठा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे अगर हमने एक मिरर लगाया यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, लाइट की रे दो ऐसी गई, टकराई, टकराने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, भाई यहाँ से टकराई, टकराने के बाद देखो नॉर्मल खींचो और उतने ही एंगल पे इसी प्लेन में वापस भेज दो, ठीक है। तो ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये रे आगे जाके, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अभी आगे मिलनी तो है नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि ये मिलाया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डॉट 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 करके इन्हें पीछे खींचो, इस तरीके से यहाँ पे जो बन रहा है वो कैसा है, प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ क्या बन गई, इमेज। ये ऑब्जेक्ट वाकई में यहाँ एग्जिस्ट करता है तो हम इसको बोल देते हैं रियल ऑब्जेक्ट, और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज हो गई, करेक्ट है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम चीज की बात करें कि अगर लाइट की रे कहीं किसी तरीके से ऐसे आ रही थी, लेट सपोज ऐसे आ रही थी, और यहां पे आपने कोई एक मिरर लगा दिया, अब ये रे आगे तो जा नहीं पा रही है, ये इंसिडेंट रेज है, मगर ये मिल नहीं सकती क्योंकि मिरर को भेद के नहीं जा सकती, तो इसको आप डॉट 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 करके आगे बढ़ाओगे, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मगर कैसा है, वर्चुअल। और जब आप रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ लाओगे तो यहाँ पे वाकई में टकराती हुई दिखेंगी रे, तो ये क्या बन गई, इमेज, और इमेज कैसी है, रियल। बोलो क्लियर है? तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज का, और रियल और वर्चुअल का, बोलो क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं अगली, हमारी यही कोशिश है कि इमेज को बनाते कैसे हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में हम किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं। तो इमेज आई होप समझ में आई होगी आप लोगों को कि इमेज क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इमेज को बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, इमेज कैसे होता, ठीक। तो अभी जो कॉन्सेप्ट है आज का हम शुरू करते हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज बनानी है, एक रे से आप इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते हो। अगर कोई एक रे जा रही है तो आप दिशा तो तय कर सकते हो कि हाँ भैया इधर की तरफ होगा, मगर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाओगे, उसकी पोजीशन नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन चाहिए तो आपको कितनी रेज की जरूरत है, दो रेज की जरूरत है, ठीक है, आपको दो रेज की जरूरत है, ठीक। तो चलो हम लोग देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए आप दो शब्द लिखो, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए लिखो ओनली टू इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर
required and sufficient to locate position of object and image. ठीक है, तो दो रे की जरूरत है, वो जरूरी भी है और पर्याप्त भी है. ठीक है, ओनली टू रेज आर सफिशियंट एंड रिक्वायर्ड. ठीक है, फॉर इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, एक बात और कहना चाहते हैं. ठीक है, पहला क्या है, टू रेज, दो रे से बनानी है. दूसरी चीज क्या है कि भैया जितने इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होते चले जाएंगे उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जाएंगी. नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, जितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएंगी उतने इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे. ठीक है, ठीक है, या उल्टी तरीके से बोलें कि जितने इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शंस होते चले जाएंगे उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जाएंगी. बोलो करेक्ट है बात. ठीक है, हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है इस पेन से, स्केच पेन से. चलो कोई बात नहीं है. ठीक है, तो इतना पार्ट आई होप समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं इमेज को कैसे बनाते हैं. ठीक है, बाई प्लेन मिरर. यूजिंग प्लेन मिरर किस तरीके से आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो देखो बेटा फटाफट हमने क्या किया है. हमने एक प्लेन मिरर लिया है इस तरीके से. ठीक है, और ये रखा है एक ऑब्जेक्ट. अब होशियारी इसमें होती है कि एक रे को तो आप सीधा सीधा पास करा दो, सीधी भेज दो. अगर ये परपेंडिकुलर जाएगी 90 डिग्री पे, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो, तो एंगल जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. ठीक है, तो एक रे तो आपको मिल गई. दूसरी रे आप अपनी स्वेच्छा से किसी थीटा के एंगल पे भेज दो. ठीक है, आपने थीटा के एंगल पे भेज दी. अब भाई ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यहां से लाइट की रे ऐसे चली जाएगी, ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है. तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे आपके पास ये है. इन दोनों को जब आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको इमेज बनती हुई दिखेगी. तो आपने क्या किया, डॉट 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 लाइन कर करके पीछे की तरफ खींचा. डॉट 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 लाइन का फिजिक्स में कोई यूज नहीं होता, ये आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हो. ठीक है, अब इनको जब पीछे मिलाया तो इस तरीके से इमेज बन गई. ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये 90 डिग्री है ये भी हो गई 90 डिग्री. ठीक है, अब दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल बराबर. ठीक है, ओ इसको नाम दिया ए बी और इसको आई बोल दिया. तो क्या आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल आई ए बी ये दोनों कैसे हैं, तीनों एंगल बराबर हैं और एक साइड कॉमन है, तो क्या इन्हें आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, बोलो. हाँ है ना, तो इसको आपने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया. ठीक है, अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये कहना कि ओ ए इक्वल्स टू ए आई, मतलब कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर से जितना आगे की तरफ परपेंडिकुलर के जितना आगे की तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी के पीछे की तरफ जाने पे उतनी दूरी पे आपको इमेज मिल जाएगी. बोलो क्लियर है बात. ठीक है, मतलब जैसे अगर हमने इस तरीके का रखा, देखो जरा थोड़ा समझना, अगर हमने इस तरीके से अपना ऑब्जेक्ट रखा है और हमें इसकी इमेज चाहिए तो इसका तरीका क्या है, आप मिरर पे परपेंडिकुलर डालो. ठीक है, डाल दिया. ये जितनी दूरी है, लेट सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसी को और आगे बढ़ा के आगे 4 सेंटीमीटर चले जाओ, इस तरीके से आपको इमेज मिल जाएगी. बोलो करेक्ट है. सीधा सीधा हमने इसको समझ लिया कि भैया प्लेन मिरर के जितना इधर की तरफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही नीचे की तरफ इमेज बन जाएगी. बोलो करेक्ट है. हाँ या ना, ठीक है. अब चलो एक हम और बात करते हैं, अगर हमारा मिरर उस जगह पे ना हो, लेट सपोज ये मिरर बनाया और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ले लिया. ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ लेने के बाद मिरर यहाँ है, इमेज तो बनेगी. क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट जाके मिरर पे पड़ेगी. तो अगर लाइट मिरर पे पड़ गई किसी भी तरीके से आई हो, लेकिन अगर मिरर पे लाइट की रे पड़ गई तो इमेज का बनना तय है. वो कैसे निकालोगे, इस मिरर को आप आगे बढ़ाओ और फिर इस पे परपेंडिकुलर डालो. अगर ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर है तो आप 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ चले जाओगे तो यहाँ पे ही आपको इमेज मिल जाएगी. बोलो करेक्ट है. हाँ है ना, तो समझ में आया कि किस तरीके से एक प्लेन मिरर की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हो. बोलो करेक्ट है. ठीक है, अगर हम शब्दों में बोलना चाहें तो अलोंग द नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू मिरर. ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में नॉर्मल के अलोंग जितना इधर की तरफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी उतना ही पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में
इमेज बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि आर ओ एम इक्वल्स टू माइनस आर आई एम, मतलब जितना इधर की तरफ ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे की तरफ इमेज बन जाएगी। बोलो करेक्ट है, समझ में आई बात? ठीक है चलो, तो पहला आपने समझ लिया कि कभी भी इमेज फॉर्मेशन होती है तो किस तरीके की बात करते हैं, डन। दूसरे में अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है भैया, हर ऑब्जेक्ट ये बिंदुनुमा नहीं होता, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जो आपके ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे कुछ भी लिख गया, पी लिख गया, क्यू लिख गया, ए बी सी डी लिख गया, इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो इसकी इमेज इस मिरर में कैसे बनेगी ये देखने के लिए अभी अभी हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको देखनी है तो मिरर पे परपेंडिकुलर डालो और जितना इधर की तरफ ऑब्जेक्ट था उतना ही नीचे की तरफ आपकी इमेज बन जाती है। बोलो करेक्ट है? तो अगर हमें इस पी की इमेज बनानी है कैसे बनाएंगे हम, कि भैया जितना इधर की तरफ ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे की तरफ इमेज इसकी बन जाएगी, ये थोड़ा दूर है, ठीक है थोड़ा दूर ऐसे करके बन गई, ये ऐसे करके बन गई, ये डंडी है तो डंडी को इस तरीके से बना दिया, तो इस पी का उल्टा पी बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लिटरल इन्वर्जन, क्या बोलते हैं इसको, लिटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को यू कैन अज्यूम द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी या इन्फाइनाइट पॉइंट्स, इन्फाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मान सकते हो, ठीक है। और जब इसकी इमेज बनाते हो तो क्या हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। अब चलो इस पे दो चार छह सवाल हो जाए तो ये बात समझ में आ जाए आपको अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या क्या होते हैं, रियल और वर्चुअल क्या होते हैं, और एक बात और सीखी कि जब भी कभी कोई रियल इमेज होती है तो आप उसको स्क्रीन पे ले सकते हो, ठीक है। क्या कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल होते हों, ठीक है। याद करो सिनेमा हॉल में, ठीक है, कभी कभी आपने जब छोटे रहे होगे तो आपने वो चूरन उरन की जो है वो पैकेट में नहीं निकलते थे, छोटे छोटे नेगेटिव टाइप के, ठीक है। तो वो पुराने ज़माने में क्या होता था कि पूरी पेटी आती थी, हर जगह मूवी रिलीज़ नहीं हो पाती, तो वो पेटी में क्या होता था कि बहुत सारे फ्रेम होते थे, बहुत सारी रील में बहुत सारे फ्रेम होते थे, उन्हें तेजी तेजी से निकाला जाता था ताकि आपको मूविंग फ्रेम दिखाई दें, ताकि आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिखे, ठीक है। हम समझाते हैं चलो उसको, ठीक है। तो होता क्या था पहले, या हमारी आँख की एक खास बात होती है कि कोई भी चीज़ अगर 1/10 सेकेंड से अगर कम टाइम की है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस दिखाई देती है, ठीक है। 10 फ्रेम पर सेकेंड से अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस दिखती थी। तो पहले क्या होता था कि एक इमेज दिखी, खट से दूसरी दिखी, फिर तीसरी दिखी, फिर चौथी दिखी, इस तरीके से हमारा हाथ पहले में यहाँ था, दूसरे में यहाँ था, तीसरे में यहाँ था, चौथे में, पाँचवें में यहाँ था, पाँचों खट 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 चले गए तो हमें लगा कि हमारा हाथ यूँ करके उठा है। तो इसी तरीके से पहले दिखाया जाता था, पहले वो पेटी आती थी बड़ी बड़ी जिनमें रील होती थी और उन रील की मदद से हम लोग सिनेमा हॉल में मूवीज देखते और दिखाते थे, ठीक है। तो उनमें सिनेमा हॉल में देखो तो वो जो पिक्चर थी वो भी रियल थी और जो सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे दिख रही है वो भी हमारा रियल इमेज था, ठीक है। तो बहुत बार हो सकता है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हो सकती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हो सकती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हो सकती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बट हाँ प्लेन मिरर के केस में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, तो ये समझ में आया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में इमेज कैसे बनाते हैं, पहले इमेज फॉर्मेशन, फिर इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारी अगली टारगेट है कि जो भी अभी हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखा है उस पर किस तरीके के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत बेसिक सा एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, आपको इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला एग्जांपल है ये जीरो, सबसे पहला वाला प्रॉब्लम है इस तरीके का जो कि आपको बताना है कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, एक्स एक्सेस है ये, वाई एक्सेस है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा था -3.2 पे, ठीक है, ये है प्लेन मिरर, ठीक है, नॉर्मल है नेगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक।
और ये जो पॉइंट है ये है 5.0। क्या आप बता सकते हो इस मिरर की मदद से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? चलो सोचो। ठीक है, तरीका हमने आपको बताया ही था कि भैया इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, जितना इधर की तरफ है ये 5 है और 5 3 8, ये 3 है, ये 5 है। तो भैया इस मिरर से इधर की तरफ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 8 सेंटीमीटर पे, उतना ही 8 यूनिट पीछे की तरफ चला जाएगा और ये इमेज बन जाएगी। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8, तो 8 5 13, यानी कि 13.2 ये इमेज के कोऑर्डिनेट हो गए। आई होप समझ में आया कि इमेज के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 13.2। ठीक है, चलो हम मोटे पेन से लिखते हैं ताकि सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ये चीज बोलो समझ में आई बात, आया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन चलो हम और देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये 45 डिग्री के एंगल पे एक मिरर लगा दिया। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे, और ये 0.5 पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है O। क्या आप इसकी इमेज बता सकते हो कहाँ बनेगी? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, सोच के बताओ जरा, फटाफट पॉज करो और फटाफट जब तक आए फिर आंसर देखो। चलो देखने के लिए कोशिश करते हैं। हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है ऐसे ऐसे करके, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये भी 45 था, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो जितनी दूरी पे अब जो बनेगा इतने ही और आगे आपको चलना पड़ेगा। तो ये और ये ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे बोलो? यानी कि जितना इधर पे था, ठीक है, ये भी इतने ही है, तो ये भी बराबर बराबर होगा, यानी कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने थे, इसीलिए इसको मजबूरी में कहाँ होना पड़ेगा? 5.0 पे, बोलो करेक्ट है। तो इमेज के कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिए कितने आ रहा है, 5.0। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट को करो और देखते हैं हम लोग। चलो थर्ड पार्ट में इस तरीके का है, ठीक है, थर्ड पार्ट में इस तरीके का बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमने बना दिया एक मिरर जो कि रखा था 30 डिग्री के एंगल पे। अब ये है 0.5 पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, इसकी इमेज आपको बनानी है कहाँ पे बनेगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और बताओ फटाफट कि कहाँ पे बनेगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसको हम लोग। हमने क्या किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये है 60 डिग्री का एंगल, तो जो ये ट्रायंगल है बिल्कुल वैसा ही क्या नीचे की तरफ बनेगा? बोलो हाँ या ना, यानी कि यहां पे बनेगी इमेज कहीं? क्यों भाई, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस, ये साइड तो कॉमन हो ही गई, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 30 यहां से चला ही गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अबे यहां से 60 डिग्री था ना मिरर से ऊपर की तरफ, तो मिरर से नीचे भी 60 होना चाहिए था, लेकिन 30 इसमें से चला गया, तो नीचे की तरफ क्या बचेगा? 30, और ये डिस्टेंस कितनी है 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। बस अब आपको बताना है कि इस जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो ऐसे समझ लो, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, एक वेक्टर है 5 यूनिट का 30 डिग्री के एंगल पे, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 cos 30, ये वाला कितना हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री, यानी कि ये 5/2 हो गया और ये 5√3/2 हो गया। ठीक है, बस इस जगह के कोऑर्डिनेट निकाल दो, यानी कि इमेज के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट है 5√3/2 -5/2, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो बोलो क्लियर हो गया? तो इमेज कैसे बनती है और उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है फुल लेंथ मिरर। ठीक है, या मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज,
एक भाई साहब हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ रहे हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे कैसे बनाते हैं। हाँ, एक बात और है, एक दिमाग में और आ सकती है, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, क्योंकि गणित ज़्यादातर बच्चों का अच्छा होता है, जिन बच्चों का गणित अच्छा है वो ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन की एक इमेज निकाल, इस लाइन का एक इक्वेशन निकालें बाई इक्वल्स टू एम एक्स से, और एक पॉइंट है 0.5, उसकी इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें। ठीक है, लोग करते उसमें ये कि इसके एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और इन दोनों का मिड पॉइंट बीच में लाई करता है, तो x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 को लाइन में सेटिस्फाई करा देते हैं, एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि भैया इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, इसके बाद अब हम अगले वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, जिसको अभी हम बोल रहे थे कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। देखो, इस कॉन्सेप्ट में यह है कि एक भाई साहब हैं जो अपनी पूरी इमेज देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब चाह रहे हैं कि तैयार वैयार हों तो उन्हें पूरा के पूरा दिखे। ठीक है, ऊपर से नीचे तक अपना पूरा पार्ट दिखे, लेकिन कंजूस भी हैं, चाहते हैं कि भैया उतनी हो जाए लेंथ जितने में हमारा खर्चा भी बच जाए, मिनिमम ले लें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, चलो इसके लिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो भाई साहब ऐसे खड़े हो गए, चलो मिरर के सामने, भाई साहब को थोड़ा दुबला पतला बना रहे वन डायमेंशन में। तो ठीक है, ये वो भाई साहब हो गए, इनके सामने ये एक दीवाल है, इस पे उन्हें मिरर टांगना है। ठीक है, इस पे उन्हें मिरर टांगना है, ये उसकी आंखें, आई लेवल की हाइट थी ई और आंखों के ऊपर की जो ऊंचाई थी वो थी h माइनस ई। इट मींस ये आई लेवल ई पे है और h माइनस ई उसके ऊपर की हाइट है, यानी कि इन भाई साहब की हाइट कितनी है h। अब इन्हें अपने आप को पूरा देखना है, बात समझे। तो भैया अभी बताया था कि कोई भी इंसान अगर अपने आप को देखना चाहता है तो उसकी बॉडी से लाइट निकल के आंख तक पहुंच जाए, देख लेगा, बताओ। ठीक है, और अगर अपनी इमेज देखना चाहता है, ठीक है, अगर वो अपनी इमेज देखना चाहता है तो उस जिस भी पॉइंट को देखना चाहता है वहां से निकलने वाली लाइट पहले मिरर पे जाए, टकराए और फिर टकराने के बाद आंखों पे आए, तब वो अपनी इमेज भी देख लेगा, बोलो। ठीक है, तो अगर ये पैर का अंगूठा देखना चाहते थे तो थोड़ा सा मुंडी झुका लें, यहां से लाइट आएगी आंखों पे देख लेंगे, लेकिन इन्हें पैर का अंगूठा डायरेक्ट नहीं देखना है, क्या देखना है, पैर के अंगूठे की इमेज देखनी है। तो कैसे देख पाएंगे भैया, लाइट तो पैर के अंगूठे से हर तरफ निकलेगी, जो इधर से जाएगी लाइट वो यहां पहुंच जाएगी, इनकी आंखों पे नहीं पहुंची, किसी मतलब की है नहीं, थोड़ा और ऊपर की रे देखो, यहां तक पहुंच गई, किसी मतलब की है नहीं, थोड़ा और ऊपर की रे, अब वो आंखों पे पहुंच गई, तो वो मतलब की है। तो देखो, हर एक ऑप्टिकल इवेंट को समझने के लिए हमें रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो लाइट की रे इधर आई, ठीक है, वो अगर यहां पे मिरर होता तो टकरा के आंखों पे पहुंच जाएगी, बोलो, हाँ या ना। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे मिरर का लगना जरूरी है, इसके ऊपर जो घुटन्ना था तो घुटन्ना का इमेज और ऊपर से बनेगा, उसको भी देख लिया जाएगा। तो अगर इसके ऊपर आप मिरर लगा दोगे तो वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को देखना शुरू कर देगा, और अगर आंखों को देखना चाहता है तो आंखों से लाइट निकल के डायरेक्ट जाए और सीधी मिरर पे टकराए और टकरा के फिर वापस आ जाए, इसका मतलब यहां से मिरर आपका बनना शुरू हो जाएगा, और जो यहां तक का मिरर लगा वो आपकी आंखों को दिखा देगा, क्यों, यहां से लाइट जाएगी सीधी मिरर पे टकराए और टकराने के बाद फिर वापस आ जाए, तो भैया रिफ्लेक्टेड रे आंखों पे पहुंच गई, यानी कि वो अपनी आंखें देख लेगा, बोलो, करेक्ट है, वेरी गुड। अब बात कर रहे हैं कि अगर वो अपने बालों को देखना चाहता है तो भैया बालों से लाइट निकल के आंख पे पहुंच जाए, बालों से निकल के लाइट आंख पे पहुंच जाए, यानी कि यहां पे आए और फिर टकरा के आंखों पे पहुंच जाए, तो ये अपने बालों को देख लेंगे, बोलो, करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमने थोड़ा सा नामकरण देना शुरू किया, हमने एक नॉर्मल समझने के लिए एक नॉर्मल खींचा,
जितना एंगल ये होगा आई उतना ही एंगल ये भी होगा आई। बोलो नाम दे दें, ए बी सी डी नाम दिया। तो एक बार बताओ ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है। देखो इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी की बात करें तो बी वाला एंगल कॉमन हो गया, बराबर बराबर 90-90 हो गया। सी वाला एंगल इधर और इधर दोनों आई आई है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये दोनों बराबर बराबर होंगे। अब जब दो एंगल बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों एंगल बराबर और एक साइड कॉमन, तो ये तीनों के तीनों कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, मतलब ये ट्रायंगल जो है दोनों वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये कहना कि ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू ई बाई टू, कोई एतराज इसमें? ये ई बाई टू हो जाएगा, इस बात से किसी को कोई एतराज? ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम ऊपर भी देखना स्टार्ट करें, डी के बाद इसको नाम दे दिया ई का, इसको एफ का, जी का, तो ऊपर भी क्या ट्रायंगल डी एफ ई और ट्रायंगल जी एफ ई ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लिखना कि डी एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू एच माइनस ई बाई टू, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये तभी यहां से रिफ्लेक्ट हो पाएगी जब यहां पे क्या लगा हुआ हो, मिरर। तो इसके नीचे के जितने पॉइंट हैं उनके रिफ्लेक्शन इनके बीच में ही होंगे, इसके ऊपर के जितने पॉइंट्स हैं उनके रिफ्लेक्शन इनके बीच में ही होंगे। बोलो तो यहां से यहां तक का जो मिरर लगाया है, अब हमारा जो कहना है कि ये और ये, यही इस मिरर की मिनिमम लेंथ होगी ताकि आप पूरा के पूरा देख सको। बोलो यही एलिमेंट है ताकि आप पूरी की पूरी इमेज को खुद से देख सको। बोलो करेक्ट है, हाँ या ना? यानी कि नीचे वाले पॉइंट से, जब आप नीचे वाले पॉइंट की इमेज देखना चाहते हो तो टकरा के मिरर से आंखों पे पहुंचे, और अगर आप ऊपर वाले पॉइंट की इमेज देखना चाहते हो तो ये भी मिरर पे टकरा के आंखों पे पहुंचे, तभी जाके आप देख पाओगे। बोलो बाकी सारे पॉइंट्स की इमेज इसके नीचे बनेगी, बाकी सारे पॉइंट्स की इमेज इसके इसके ऊपर बनेगी इस वाले पॉइंट के। तो बड़े आराम से आप ये कह सकते हो कि यहां से यहां तक का मिरर ही जरूरी है, इसके नीचे का या इसके ऊपर का मिरर जो है वो किसी मतलब का नहीं है। तो अब एलमिन को अगर आप देखो तो एलमिन टेक्निकली किसके बराबर हो जाएगा, बी डी प्लस डी एफ के। बी डी की वैल्यू है ई बाई टू, डी माइनस एफ की वैल्यू एच माइनस ई बाई टू। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एलमिन इक्वल्स टू एच बाई टू, यानी कि एलमिन इक्वल्स टू कितना हो गया, एच बाई टू। बॉक्स में बंद करो, काम की चीज है। ठीक है, अब हम कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। बोलो करेक्ट है, यानी कि आपको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, आपको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए जो आपकी पूरी हाइट है उसके आधे के बराबर, जितनी आपकी हाइट है उसके आधे के बराबर आपको मिरर चाहिए होगा। बोलो समझ में आती बात? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बात जो हम कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भैया जो एलमेन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मिरर। इस आदमी और इस दीवार के बीच की डिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो ये किसी भी जगह पे छोटी हो जाए बड़ी हो जाए, मगर जिस जगह से जितनी लेंथ चाहिए, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो यहीं से होंगे, पास में भी आ जाएगी, ये चीज छोटी हो जाएगी, तब भी ये और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे और सारा काम वैसे ही के वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप मिरर के पास में खड़े हो या मिरर के दूर खड़े हो। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में कहा था ना कि आप अगर मिरर आपका छोटा है तो आप चाहे पास खड़े हो चाहे दूर खड़े हो, जितनी इमेज दिखेगी उतनी ही आपको दिखेगी। ठीक है, तो अब दूसरी बात आती है। ठीक है, पहला ये पार्ट क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में आज के भी वीडियो की शुरुआत में और पिछले वाले वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपसे एक बात पूछी थी। हमने आपसे कहा था कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी बॉडी का आउटलुक बनाओ, मतलब जो आउटलाइन करना स्टार्ट करो, तो जो भी जो आउटलाइन करके जो आपने ड्रॉ किया है वो ड्रॉ किया हुआ इंसान क्या आपके बराबर होगा?
ठीक है, इसका जवाब यही छुपा है। कैसे? देखो एक बात बताओ, अगर आप पैर के अंगूठे को ढकना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप मिरर पे किसी जगह खरोचोगे? आप चाहोगे कि आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन ना पहुंचे, आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन ना पहुंचे, तो आप इवेंचुअली उसी वाले पॉइंट को डार्कन करने की कोशिश करोगे जो पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको इस अंगूठे की इमेज दिखा रहा है। बोलो करेक्ट है? आप उसी पॉइंट को डार्क करने की कोशिश करोगे जिस पॉइंट से आपके अंगूठे की इमेज आंख पे पहुंच रही है। अगर आप पैर का अंगूठा ढकना चाहते हो तो आप कहां पे मार्क लगाओगे? यहां पे। और देखने वाली बात यह है कि जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है, यानी कि अगर ये 150 सेंटीमीटर नीचे था आंखों के, तो आप किस जगह पे मार्क लगाओगे भाई साहब? 75 सेंटीमीटर पे। बोलो, तो जो भी आप बनाओगे, जो भी आप ड्रॉ करोगे, वो उस एक्चुअल के आधे के बराबर होगा। लेट सपोज अगर हम चाहते हैं कि इस वाले बटन को हम, ठीक है, इस वाले बटन को हम ना देखें, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी आंखों के और इसके बीच की डिस्टेंस नाप लें, ठीक है, और मिरर में उसके बीचों बीच, मतलब इस और इसके, अगर ये आंखों से 40 सेंटीमीटर नीचे था, तो 20 सेंटीमीटर पे अगर हम कुछ खरोंच दें तो हमारा ये बटन की इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि लाइट यहां से जाएगी, वहां पर रिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वहां मिरर नहीं है, तो लाइट जाएगी मगर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पे नहीं पहुंच पाएगी, तो हमें लगेगा कि हमने बटन को ढक दिया है। बोलो हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि आपको, ठीक है, अपनी आउटलाइन को देखना है किस किस जगह पे बनाया है, तो वो जो भी डिस्टेंस होती है उसकी आधी के बराबर होती है। करेक्ट है? यानी कि हमको अपने बिंदी, हमको अपने यहाँ पे देखना है, चलो ठीक है, अगर हमको पेट को देखना है, तो पेट पे अगर 80 सेंटीमीटर नीचे पेट है, तो 40 सेंटीमीटर पे आपको एक पॉइंट बनाना होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन रुक जाएंगे और हमें पेट नहीं दिखाई देगा। बोलो बात करेक्ट है, हाँ या ना? तो दो बातें क्लियर हुई, एक तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिरर के कितने पास में हो, कितने दूर में हो, और दूसरी चीज है कि भैया अगर मिरर 10 सेंटीमीटर का है तो वो हमें कितना दिखाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्यों? देखो यहां से रिफ्लेक्शन होकर आंखों पहुंचे, ठीक है, यहां से पहुंचे, तो एक्चुअली मिरर अगर ये E/2 का था यहां से, तो ये कितना इमेज दिखा रहा था? ई तक जा रहा था। बोलो करेक्ट है? तो अगर मिरर आपका 10 सेंटीमीटर का है तो वो आपको कितनी इमेज दिखा देगा? आपकी 20 सेंटीमीटर इमेज दिखा देगा। बोलो बात जमी? हाँ या ना? तो मिनिमम लेंथ की जो हम बात कर रहे थे कि भैया अपनी पूरी बॉडी की इमेज देखने के लिए आपको कितना लेंथ का मिरर चाहिए था? अपनी लेंथ का आधा, ठीक है, कितना मिरर चाहिए था? अपनी लेंथ का आधा मिरर चाहिए था। बोलो करेक्ट है? नंबर वन। नंबर टू की अगर हम बात करें, ठीक है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितनी दूरी पे था। नंबर तीसरा कि आप इस मिरर को ऐसे अलाइन करोगे, ऐसे लगाओगे कि अगर आपकी आंखों के नीचे 20 सेंटीमीटर है तो आपको मिरर कितना नीचे तक आंखों के खिसकाना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मिरर को इस तरीके से लगाना पड़ेगा, मिरर मस्ट बी प्लेस्ड एट E/2 फ्रॉम द फ्लोर, जो फ्लोर है उससे E/2 पे आपको मिरर को प्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके आप देख पाओगे, ठीक है। तो हम शॉर्ट में एक बात बताना चाहें, ये पार्ट को आप चाहो तो पॉज करके इसको लिख भी सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है। अब हम जो बात बताना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझो कि लेट सपोज आपके पास कोई एलियन आया है, ठीक है, और आप उस एलियन की इमेज देखना चाहते हो। लेट सपोज ये एलियन है इस तरीके का, जिसके पेट में आंखें हैं, ये था यहां से 60 सेंटीमीटर और ऊपर था ये 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको इसकी, इस एलियन को चाहिए है मिरर जिसमें ये अपनी पूरी इमेज देख सके, तो बताओ इसको कैसे, अपनी कैसे मिरर को रखना होगा? तो भैया इसका तरीका ये सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, ये दीवार आपने बना ली, ठीक है, ये दीवार बनाने के बाद ये आंखों का लेवल आप देखो, ये आपने आंखों का लेवल बना दिया, आंखों के लेवल के नीचे कितना देखना है? 60 सेंटीमीटर। आंखों के लेवल के नीचे कितना देखना है? 60 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना आपको मिरर चाहिए लगाना होगा? 30 सेंटीमीटर। आंखों के लेवल के ऊपर कितना देखना है? 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो मिरर कितना लगाना पड़ेगा आपको? 40 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? यानी कि आपको अगर
इसके 40 सेंटीमीटर ऊपर देखना है, 80 सेंटीमीटर ऊपर देखना है तो 40 सेंटीमीटर तक का मिरर लगाना होगा, और आंखों के नीचे अगर आपको 60 देखना है तो 30 सेंटीमीटर का मिरर लगाना होगा। ठीक है, बोलो करेक्ट है, हाँ या ना। तो अब अगर हम एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछें, ठीक है, अगर ये 30 की बजाय हम नीचे 40 कर देते तो क्या होता? अरे भैया वो एक्स्ट्रा होता, जमीन अमीन दिखाने लगता, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिखाने लगता। मगर इस इंसान को केवल अपनी अगर इमेज देखनी है तो मात्र आंखों के नीचे अगर 60 देखना है तो 30 तक मिरर लगा दो और इसका काम बन जाएगा। बोलो करेक्ट है। ठीक है, अब एक बात और है, एक चीज और जो मन में आ रही है वो बताओ जरा। अगर हम ये कहें कि इसके यहाँ पे कोई किसने तिलक लगाया हुआ है, ठीक है, इसने अपने एक तिलक लगाया हुआ है और तिलक की हाइट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक बार बताओ इस 50 सेंटीमीटर की इमेज मिरर के किस पार्ट से बन रही होगी? बोलो भैया 50 सेंटीमीटर है ऊपर, सोच के बताओ। अच्छा, इस आंखों से 25 सेंटीमीटर के ऊपर का जो तीर है वो इस बिंदी की इमेज आंखों पे भेज रहा होगा। बोलो करेक्ट है। इस आंख से 50 सेंटीमीटर ऊपर अगर तिल है, उसको देखने के लिए कितने ऊपर आपको ढकना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये बात हमें लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक सवाल और है कि कोई एक लड़की है, लड़का है, कोई भी है, चलो इस तरीके से मिरर के सामने खड़ा है, ये मिरर है, और किसी भाई साहब ने जो मिरर लगाया है वो इस तरीके से लगाया है कि इनकी आंखों का लेवल जो है वो है, लड़का ही है चलो, 60 सेंटीमीटर ऊपर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रोपोर्शन वैसे होता नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, 60-70 सेंटीमीटर हाइट का लड़का है, छोटा सा, और 60 नीचे 10 ऊपर है। ठीक है, किसी ने मिरर लगा, वैसे कितना चाहिए होगा एच मिन? 70 सेंटीमीटर। एच मिन कितना चाहिए होगा? 70 सेंटीमीटर चाहिए होगा। ठीक है, अब बात आ रही है इस 70 सेंटीमीटर पे, ठीक है, हमने 80 सेंटीमीटर का ले लिया मिरर और यहाँ से लगा दिया, नहीं सॉरी 70 नहीं, 70 था तो 70/2 35 सेंटीमीटर, सॉरी 30-35 सेंटीमीटर का इसको मिरर चाहिए था, हमने कहा मिरर लगा देंगे 40 सेंटीमीटर का और यहीं से लगाना हमने शुरू कर दिया मिरर को। ठीक है, ये कितना लगाया हमने यहां से? 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमारा सवाल है अब कि आपको बताना है फाइंड लेंथ ऑफ, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ मैन, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ मैन एज सीन बाय हिम। ठीक है, उस इंसान को अपनी इमेज कितनी दिखाई देगी? ठीक है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार बताओ, अच्छा आंखों पे तो है नहीं, ठीक है, आंखों पे तो है नहीं, अब देखो इसको आंखों के नीचे, सबसे पहले ये बात समझ लो जरा, आंखों के नीचे कितनी जगह छूट रही है इसके, होशियारी से देखो जरा, 20 सेंटीमीटर की जगह छूट रही है, छूट रही कि नहीं छूट रही? बोलो आंखों के नीचे कितनी जगह छूट रही है 20 सेंटीमीटर की? ठीक है, तो एक बार बताओ जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो कितना दिखाई देगा? यहां से अगर 20 पे था तो 40 वाला पॉइंट दिखाई देगा, मानते हो कि नहीं? बोलो यार, इस 40 के ऊपर के नीचे के तो सब दिखाई देते रहेंगे लेकिन ऊपर के नहीं दिखाई देंगे, तो ये वाला कितनी दूर तक गायब हो गया? ये 40 सेंटीमीटर तक, ये 20 था तो ये कितना हो गया? 40। अब 60 था तो कितना दिखाई देगा? ये हिस्सा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा बड़े में बताएं, चलो थोड़ा बड़ी इमेज बना लेते हैं इसकी। ठीक है, इस तरीके से समझ लो, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये लगी हुई आंख, ये था यहां से 60 सेंटीमीटर, आंखों के ऊपर कितना था? 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
नीचे 60, ऊपर 10। और अगर अब हमें इसको देखना है, ये हमने बना दी एक दीवार, मिरर लगाया हमने पिछले वाले इसी सवाल को, दोबारा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा हमने 40 सेंटीमीटर का एक मिरर लगा दिया था नीचे से, ये लगा दिया 40 सेंटीमीटर का, हमने कितना हिस्सा छोड़ दिया 20 सेंटीमीटर, ये 40 था ही था, ठीक है। तो एक बार बताओ इसकी आंखों पे जो लाइट आ रही होगी वो किस जगह से आ रही होगी? भाई देखो अभी अभी बताया था कि भैया अगर 20 सेंटीमीटर नीचे मिरर नहीं है तो 40 सेंटीमीटर का गायब हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा होगा जो आंखों से 40 सेंटीमीटर नीचे है? आंखों से 20 सेंटीमीटर नीचे अगर मिरर है तो कितने सेंटीमीटर तक का गायब हो जाएगा? 40 तक का। तो कितना गायब हो चुका है यहां से आंखों से नीचे? 40 सेंटीमीटर। तो बचेगा कितना? 20 सेंटीमीटर। भैया कितना देख पाएगा ये? यही तो देख पाएगा। तो कितना देख पाएगा ये अपना हिस्सा? एल विजिबल 20 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तक गायब हो गया था, बचा कितना था? 20। तो कितना देख पाएगा ये अपनी आंखों से? 20 सेंटीमीटर। बोलो ये भी आया समझ में? हाँ या ना बोलो? चलो क्लियर है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और। तो मिनिमम कितनी चाहिए होती है लेंथ अपना पूरा इमेज देखने के लिए? बोलो, जो उसकी ऊंचाई है उसका आधा, ठीक है। जितनी उसकी ऊंचाई होती है उसका आधा उसको चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर हम एक बात और करें आपसे, ठीक है, कि भाई साहब बहुत डेढ़ साढ़े हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि भैया ठीक है ऊंचाई तो हमने देख ली है, क्या किसी तरीके से साफ चौड़ाई भी हो सकती है फिक्स? कितनी मिनिमम चौड़ाई लेनी चाहिए ताकि वो अपनी इमेज को पूरा देख सकें? तो उनके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि साहब मिनिमम विड्थ भी बना डालें, ठीक है। तो जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डब्ल्यू मिन टू सी फुल इमेज। देखो एक बात जो हम कह रहे हैं उसको थोड़ा सा जरा समझना ध्यान से, कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है वो प्योरली जेई मेन से जेई एडवांस वालों के लिए है। अगर कोई नीट वाला बच्चा है तो उसके लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो जब हमें लंबाई देखनी थी तो हमने सामने से देखा, ठीक है, लेकिन अगर हमें चौड़ाई देखनी है तो चौड़ाई देखने के लिए सबसे अच्छा व्यू कहाँ से मिलेगा? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमें दिखेगा क्या बच्चों? टॉप व्यू में हमें दिखेगा कंधा। ओहो पूरा आ नहीं पाया इसमें, आ रहा है, चलो गुड। ये कंधा दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? ये हमें दिखाई देगा सर उनका, ये नाक हो गई, ये आंखें हो गई दो। भैया सिमेट्रिक आदमी है, आदमी के दो आंखें होती हैं, ठीक है, ये सामने से दीवार है, ठीक, इस पे हमको मिरर लगाना है। हमने ये बोला कि आंखों और आंखों के बीच की डिस्टेंस थी 2a, तो नाक की सीध से आधी ऊपर a हो गई, और ये शोल्डर जो है वो कितना हो गया? b, ठीक है। तो अब बात करनी है, एक बार बताओ अगर ये भाई साहब, हाँ, नाक की सिमेट्री में जितना इधर की तरफ होगा उतना इधर की तरफ होगा, तो हम एक तरफ निकाल लें मिरर कितना चाहिए, दूसरी तरफ उसको डबल कर देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो समस्याएं, एक समस्या ऐसी आ गई कि भैया अब इस कंधे से जाने वाली लाइट दो तरीके से आंखों पहुंच सकती है, एक इस आंख पे पहुंचे और एक इस आंख पे पहुंचे। तो आपके हिसाब से अगर इस आंख पे पहुंचती है तो ज्यादा मिरर खाएगी, और इस आंख पे पहुंच गई रिफ्लेक्ट होके तो कम मिरर खाएगी कि नहीं खाएगी? बोलो। तो आप इधर वाली लाइट को इधर भेज दो और इधर वाली लाइट को इधर भेज दो, मतलब इस वाले कंधे की लाइट को आप इस वाली आंख पे भेज दो और इस वाले कंधे की लाइट को आप इस वाली आंख पे भेज दो, तो आपको मिल जाएगा अच्छे से? बोलो। चलो तो अब देखना शुरू करते हैं, हम इस वाले कंधे से लाइट यहां पहुंचाते हैं। तो साहब हमने पहुंचाई लाइट, ठीक है, चलो वेरी गुड, ये पहुंच गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि भैया हमने ऐसे करके खींचा और इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा लेकिन कोई बात नहीं, मतलब देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये एंगल भी आई है, ये एंगल भी आई है, इसको ना, हाँ, इसके नाक की सीध के इधर की तरफ उतना ही नाक की सीध के इधर की तरफ भी चाहिए होगा। बोलो, यहाँ से लाइट ला के हम यहाँ पहुँचा रहे हैं तो नाक की सीध से जितना इधर की तरफ था उतना इधर की तरफ है, और यहीं से मिरर का हमें शुरुआत चाहिए, ठीक है। अब देखो
इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी। ये आई आई है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तीनों एंगल बराबर और एक साइड कॉमन। तो क्या ये कहना कि ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल डी सी बी ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं? और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो बेटा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो बेटा, एक काम हो सकता है कि ए सी इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, सी डी। और इसको जो बोला हमने वो बोला डब्ल्यू एम बाई टू, ठीक है, इतने मिरर के हिस्से को बोला डब्ल्यू। ये है कितना बेटा, ये टोटल हो जाएगा हमारा, ये बी हो गया ए प्लस बी बाई टू, करेक्ट है, बोलो। अबे ये बी तो था ही था यहां से यहां तक का, और ये कितनी है लेंथ, ए है, तो ये टोटल कितना हो गया, बी प्लस ए, और उसका ये आधा होगा तो बी प्लस ए बाई टू हो गया। अब इसमें से हम क्या घटा दें, इतने में से अगर आप ये हिस्सा घटा दो ए को, यानी कि सुनो सी डी में से, ठीक है, अगर आप ये हिस्सा हटा दो ना कि सीध से यहां वाला, तो क्या यहां से यहां तक का मिल जाएगा, बोलो। यानी कि ये पूरी है ए प्लस बी बाई टू, इतनी पूरी में से इतना घटा दें हम, ठीक है, इतने में से इतना घटा दिया तो क्या इतना मिल जाएगा, और इतना ही तो है डब्ल्यू मिन बाई टू, ए को घटा दिया, ठीक है, तो डब्ल्यू मिन की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, ए सॉरी ए बाई टू ए घट घट गया, तो इधर से आ गया हमारा बी माइनस ए बाई टू। तो डब्ल्यू मिन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, बी माइनस ए, याद नहीं रखना, फटाफट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो भैया कितनी लंबाई चाहिए होती है, उसकी जो ऊंचाई है उसका आधा, और चौड़ाई कितनी चाहिए होती है, बी माइनस ए। अगर यहां से यहां तक की दूरी बी है, टू बी है, और आंखों से आंखों के बीच की दूरी टी ए है, तो ठीक है, तो करेक्ट है। हम लोगों ने आज कितनी ऊंचाई चाहिए होती है मिनिमम, ये देखा। अब थर्ड वाले वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे, ठीक। तो जल्दी से समराइज कर ले रहे हैं जो भी आज हमने देखा। हमने सबसे पहले देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू देखा किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं। नंबर थ्री देखा प्लेन मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करता है। नंबर फोर देखा कि भैया अगर एक भाई साहब को अपनी पूरी इमेज देखनी है, ठीक है, तो वो कितनी मिनिमम लेंथ का मिरर लेंगे, और अगर पूरी चौड़ाई देखनी है तो कितनी चौड़ाई का मिरर लेंगे मिनिमम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज देखा, ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बेझिझक आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है, या अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप फटाफट कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं हम, थैंक यू बेटा।